और एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दखल के बाद रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध का खतरा टाल दिया गया था। साथ ही सीएनएन की रिपोर्ट में इस बात का बहुत बड़ा दावा किया गया। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि रूस और यूक्रेन के बीच 2022 के फरवरी में शुरू हुआ संघर्ष परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन संघर्ष टालने में दुनिया के शीर्ष नेताओं ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी और उनकी सुरक्षा के लिए खुद पीएम मोदी ने कमान संभाली थी। अब एक अमेरिकी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि पीएम मोदी और कई वैश्विक नेताओं की सक्रियता की वजह से परमाणु युद्ध को टाला जा सका। क्या देव क्या देवे ना ओटा ब्या देवे তার মানে ব্যাকআউট করবে এবং ইলেকশনের পরে আপনাদের সব কেড়ে নেওয়া হবে আর ওপার বাংলায় পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে, কিন্তু আমরা আপনাদের সেলটার দেব, আমরা আপনাদের কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে দেব না, এনআরসি করতে দেব না। চিৎকার করে বলুন এনআরসি হবে না, আধার কার্ড বাতিল চলবে না, গরিব মানুষের টাকা মারা চলবে না। वहीं पश्चिम बंगाल के बसीरहाट से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला किया है। संदेश खाली मामले पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी महिलाओं का दर्द नहीं समझती, दो महीले से ज्यादा हो गया है, वो संदेश खाली पर एक शब्द नहीं बोल रही है। ममता बनर्जी ऐ राज्य मुख्यमंत्री तीनी ना कि महिला दरदी तीनी ना कि 500 टका 1000 टका অনেক কিছু দিয়েছেন, তিনি আজকে দু মাসেরও বেশি সময় হয়ে গেল সন্দেশখালিতে আসার মতো প্রয়োজন অনুভব করেননি, উল্টো দিকে বিকাশ সিং সহ 76 জনকে জেল খাটিয়েছেন, অন্যদিকে আমাদের বোন দিদি রেখা পাত্র সহ আমাদের পদ্মাদি সহ আমাদের জাগ্রত মাতৃমণ্ডলী তাদের উপরে পুলিশকে দিয়ে। তৃণমূল কংগ্রেস নে লোকসভা চুনাও কে লিয়ে উম্মীদবারো কে নাম কা এলান কর দিয়া হ্যায়। বঙ্গাল কি সভি 42 সিটো পর মমতা নে উম্মীদবারো কে নাম কা এলান কর দিয়া। সবসে বড়া চেহারা পূর্ব ক্রিকেটার ইউসুফ পঠান কা, জিসে মমতা ব্যানার্জি নে বহরমপুর সিট সে উম্মীদবার বানায়া হ্যায়। ওয়হীন নুসরত জাহাঁ কা টিকট কট গিয়া হ্যায়। और बीजेपी ने भी कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और अब टीएमसी के उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ चुके हैं और इसलिए पिक्चर बिल्कुल पश्चिम बंगाल में क्लियर हो गई है कि लड़ाई आखिर किसके किसके बीच होती दिखाई दे रही है। यह तस्वीर आप देखिए, कांधी में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता, उत्तम बारिक यहां पर टीएमसी के नेता हैं जिनके बीच ये मुकाबला होगा, उसकी तरह हुगली में लॉकेट चटर्जी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो रचना बनर्जी को टीएमसी ने मैदान में उतार दिया है। और इसके अलावा हावड़ा पर रतिन चक्रवर्ती बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो प्रसून बनर्जी उन्हें चुनौती देंगे टीएमसी के उम्मीदवार के तौर पर, जिनके नाम का ऐलान हुआ है। और बनगांव में शांतनु ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए, तो विश्वजीत दास को टीएमसी ने टिकट दे दिया और चुनावी मैदान में उतारा है। और इसी तरह से सुकांता मजुमदार बीजेपी बंगाल के अध्यक्ष, उनके खिलाफ विप्लव मित्रा को ममता बनर्जी ने चुनावी मैदान में उतारा, नामों का ऐलान आज उन्होंने कर दिया है। और इसी तरह से कुछ बिहार से केंद्र में मंत्री निषेध प्रामाणिक बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो जगदीश चंद्र बासुनिया टीएमसी के उम्मीदवार बनाए गए हैं जिनके नाम का ऐलान मंच से आज कर दिया गया। और इसी तरह से सौमित्र खां बीजेपी के उम्मीदवार हैं बिष्णुपुर से, और सुजाता मंडल खां को टीएमसी की ओर से उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा गया है। और तस्वीर अब साफ होती दिखाई दे रही है कि किस तरह की टक्कर पश्चिम बंगाल में होने जा रही है। टीएमसी के लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान पर बीजेपी ने निशाना साधा है और बाहरी लोगों को टिकट देने का आरोप बीजेपी ने लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने कहा है कि एक साथ लड़ते तो और बेहतर होता। ये अभी जब तृणमूल कांग्रेस का लिस्ट निकला उसके आधा घंटा पहले ही भतीजा वहां पे बड़ा बड़ा डायलॉग मार रहा था, बांग्ला बंगाली को लेकर बीजेपी एंटी बंगाली है, ये सब डायलॉगबाजी चल रहा था। अब जब कैंडिडेट निकला देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं, कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं, मोदी बहिरागत है फॉरेन एंटिटी है लेकिन यूसुफ पठान नहीं है, ये कौन सा रूल है, कोई बंगाली नहीं मिला आपको, बंगाली मुसलमान में क्या वोट जीतने की लड़ने की ताकत नहीं है क्या,
आप गुजराती मुसलमान को ला रहे हैं यहाँ पे, ये तो कैसी शर्म करने वाली बात है। बंगाली एंटी बंगाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। मैं ये बात कहूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, सम्मानजनक फॉर्मूला ढूंढा जाए, बीच का रास्ता ढूंढा जाए, एक तरफा कोई घोषणा नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे ओर से भी कुछ बयान आए हैं जो कुछ हमको परेशानी हुई है उन बयानों से, पर खुले मन से बड़े दिल से इन बातचीत हमें करनी चाहिए। तो हमारे दरवाजा हमेशा खुला है। हम कहते हैं कि अगर आ रहे हैं कि इंडिया जनबंधन को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमारी प्राथमिकता है, और वो भी ममता बनर्जी कह रही थी, ममता जी भी ने यही कहा है, और वो उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी को मैं हराना चाहती हूँ। पर मैं समझता हूँ अगर हम एक साथ लड़ते तो अच्छा होता, एक साथ अभी भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला संभव। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी टीएमसी से क्रिकेटर यूसुफ पठान को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया, तो इस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूसुफ पठान का सम्मान करना ही था तो उन्हें राज्यसभा का टिकट देना चाहिए था, या फिर गठबंधन से गुजरात में यूसुफ के लिए एक सीट मांग लेनी थी। यूसुफ पठान को अगर सम्मानित किए जाते सही ढंग से, कुछ दिन पहले बंगाल में राज्यसभा की चुनाव हुई थी, बाहर के लोगों को राज्यसभा को राज्यसभा की एमपी बनाए गए, अगर यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था, उनको कुछ पद देकर नवाजा किया जाए ये अगर सोच रही होती तो यूसुफ पठान को बंगाल के टीएमसी पार्टी राज्यसभा की मेंबर बना के उनको एमपी पद दिलवा दी। यह तो यूसुफ पठान के बारे में ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान। लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। टीएमसी के लिस्ट आने पर बीजेपी ने भी ममता बनर्जी पर हमला बोला है। बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा है 42 सीटों में से 7 सीटों पर यानी कि ममता के 17% उम्मीदवार।